क्या विरोध है आप लोग का? तो हमारी जो विरोध है वो जो स्टूडेंट्स है हमारे एसटी एससी ओबीसी एनसी, तो इनको जीयूआईपीएमएस स्कॉलरशिप मिलती है जिसके तहत जो है इनका ट्यूशन फीस वेवर होता है। तो इंस्टीट्यूट हमें डीएच और हॉस्टल फीस की वेवर देती आ रही थी, पर 2016-18 बाद 17-19 और 18-20 से ये नहीं दिया जा रहा है। तो जब 2016-18 के बैच वाले एंटर किए थे तब प्रोस्पेक्टस में नहीं लिखा था कि आपको पे फीस करना पड़ेगा। जब हमारा एक साल हो गया उसके बाद हमें मे में नोटिफिकेशन आता है कि हमें डीएच और हॉस्टल फीस देना पड़ेगा। तो ये जो बैच 2016-18 के बैच है उनको कहीं ना कहीं ये लगता है अगर हमें ये चीज़ पहले बताया गया होता तो वी वुड हैव मेड अ चॉइस एंड वी कुड नाउ, हम यहाँ नहीं आते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। और आप इस तरह से बीच में कंपेल करना जो हमारे प्रोस्पेक्टस में नहीं है, कहीं ना कहीं हम उसको इलीगल मानते हैं और हम ये मानते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, हमें कंपेल नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज़ जब हमने बात रखी तो एडमिन उन्होंने हमारा हॉस्टल का वेवर किया है 16-18 बैच का, पर जो पीएच का फीस है वो वेवर नहीं कर रही है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं वो डीएच की फीस भी 30,000 आ रही है और अभी इस टाइम पे टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेमेस्टर्स बहुत दिक्कत है स्टूडेंट्स को पैसे इकट्ठा करने के लिए, वो नहीं कर पाएंगे। और जहाँ तक 2017-19 की बात है उनको पहले से नोटिफिकेशन नहीं दिया गया था, जब उनकी पूरी प्रोसेस हो गई थी तब नोटिफिकेशन आया जब एडमिशन होने वाली थी। तो हम इसमें ये कहना चाहेंगे कि जब स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करके इस इंस्टीट्यूशन के लिए तैयारी करते हैं, जब उनका हो जाता है और हो जाने के बाद खाली पैसे की वजह से अगर हम इंस्टीट्यूट में पढ़ नहीं पाएंगे तो ये कहाँ का न्याय है और ये क्या है? मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपकी जो समस्या है, जो कंप्लेन है, आपने शिक्षा मंत्री तक की है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ट्वीट किया क्या आपने? तो हमारी जो है हमने हमारा यहाँ पे एकेडमिक काउंसिल होता है मीटिंग, वहाँ पे हमने अपनी बात रखने की कोशिश की गई थी पर एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा बात नहीं सुना था। उसके बाद हमारे एक जीओआईपीएमएस कमेटी वर्किंग कमेटी है जो फैकल्टी और स्टूडेंट्स को मिला के है, उन्होंने ये जो जीओआईपीएमएस का इशू है हमारे ट्राइबल मिनिस्टर के पास भी लेके गए थे, सोशल जस्टिस मिनिस्टर के पास भी लेके गए थे और उन तक भी हमारी बात पहुँचाई है और उन लोगों ने हमारे इंस्टीट्यूट के साथ इस चीज़ में बात की पर हमें उससे कुछ मिला नहीं है कॉन्क्रीट। तो इस वजह से हमारा एजिटेशन करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमने हर एक लेटर किया, हर एक बात नेगोशिएशन की करी पर अभी हमें कंपेल किया जा रहा है क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और हमेशा और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि हम अभी क्यों कर रहे हैं जबकि हमारे सेमेस्टर एंड हो रहा है, पीक है, डेजिग्नेशन है, पढ़ाई है। अगर हम लोग अभी नहीं करेंगे तो हम लोग कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि सब स्टूडेंट यूनियन डिसॉल्व हो जाएगी, स्टूडेंट्स चले जाएंगे। तो अभी हमारे हक के लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके लड़ना भी बहुत ज़रूरी है। क्या कहेंगे अगर आप लोग की ये मांग पूरी नहीं होती है तो आगे आप लोग क्या रवैया होगी, क्या करेंगे? अभी फिलहाल के लिए तो जो हमारा डिसीजन है स्टूडेंट्स का कि हम लोग आज यही बैठे रहेंगे पूरी रात। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि 24 आवर्स में हम आप तक पहुंचेंगे, तब तक हम लोग यही रहेंगे और आगे की जो स्ट्रैटेजी है वो हम लोग को जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जा रही है उस हिसाब से हम लोग को थोड़ा तरोड़ना मोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंजेस करनी पड़ेगी। आइए हमारे साथ कुछ और युवा है जो इस टाटा इंस्टीट्यूट में शिक्षा लेते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। आप बताइए आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे अंदर के जो अधिकारी है इंस्टीट्यूट के उनकी तरफ से क्या? हमारा प्रोटेस्ट जो है सुबह 7 बजे से शुरू किया, हम 7 बजे सब लोग इकट्ठा हुए और हमने तभी से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ प्रेम से बात करने की सभी कोशिशें की लेकिन उन्होंने उनका मीटिंग बता के, उनका कोई और दूसरा एंगेजमेंट बता के, पहले तो हमें बताया गया कि वो अवेलेबल ही नहीं, फिर बाद में बताया गया कि वो मीटिंग में व्यस्त है। तो ये हम प्रेम से बात करने के लिए उनके ऑफिस तक हम गए थे, 2 बजे के बाद जब 5 बज गए तब 5 बजे उनका एक मैसेज आता है कि हमने आपके लिए क्वार्टर एंगल में एक जो सेफ जगह है वहाँ पे हमने मीटिंग ऑर्गेनाइज की, लेकिन तब तक बच्चों का जो सोचने का ये था वो ऊपर चले गया था, इसीलिए सब लोग फिर गेट पे आए और गेट पे हमने एजिटेशन शुरू किया। फिर हमने उनको डिमांड किया कि हम अभी नहीं आएंगे, आपको यहाँ पे आना होगा, और बहुत सारा निगोशिएशन होने के बाद वो 2 मिनट के लिए यहाँ पे आए और 2 मिनट में सिर्फ उन्होंने इतना ही बोला कि हम 24 आवर्स में, जैसे अर्चना जो स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि 2 मिनट उन्होंने बात किया कि 24 आवर्स बनाया जाएगा और वो हमसे 24 आवर्स में बात करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बातचीत जो है
पहले भी हमने करने की कोशिश किया, इस पर कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं मिला, इसीलिए यह प्रोटेस्ट जारी है। जैसा कि अर्चना ने कहा, यह लड़ाई सिर्फ यहाँ तक सीमित हम नहीं रखेंगे, हमारी लड़ाई स्टेट के साथ भी शुरू है, हमारी लड़ाई सेंट्रल के साथ भी शुरू है, और हमारी लड़ाई विद इन द एससी एसटी जो मिनिस्टर्स लोग हैं उनके साथ भी शुरू है। तो सभी स्तरों से हम कोशिश कर रहे हैं। और एक तीसरी मुद्दा जो है वह, ये मेरा ओपिनियन है पर्सनली, कि हम ये भी चाहते हैं कि जिसका नाम टाटा से जुड़ा है और टाटा जो हार्वर्ड को पैसे देता है, टाटा जो ऑक्सफोर्ड को पैसा देता है, वो खुद के इंस्टीट्यूट को पैसा क्यों नहीं दे सकते? वहाँ के बच्चे यहाँ, यानी जो टाटा इंस्टीट्यूट में टाटा के नाम से बच्चे पढ़ते हैं, उसका टैग इतना बड़ा लगा है, और सबसे पुराना सोशल साइंसेज का इंस्टीट्यूट 1926 में इस्टेब्लिश हुआ इंस्टीट्यूट है। तो हम उनसे भी, रतन टाटा के यहाँ पे भी हम प्रोटेस्ट करने की सोच रहे हैं। हम कुछ फंड जो एस सी एस टी ओ बी सी के लिए, इट्स नॉट मोर देन 1 करोड़ रुपीज, और वो 25 करोड़ और उससे ज़्यादा, कई ज़्यादा पैसा जो है बाकी इधर देते हैं। तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि आप एस सी एस टी बाकी कितना खर्चा है वो पेड करने का। अरे, एक तरफ सरकार के साथ हमारी लड़ाई है, एक प्राइवेट लोगों के साथ भी लड़ाई है, क्योंकि ये जो लोग जिस तबके से आते हैं, वो स्लम से आते हैं, वो विलेज से आते हैं। मेरा जैसा आदमी अमरावती जैसे एक स्लम में से आता है, एक सिद्धार्थ नगर जैसे आता है, मैं कभी नहीं आ पाता था अगर यहाँ पे मुझे वेवर नहीं मिलता था। मेरे जैसे लोगों को जो मुझे बोलते हैं कि यार आप यहाँ पे जा पाए, जो प्रमोट हुए हैं, वो कभी यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। इसलिए हमारा प्रोटेस्ट ये जारी रहेगा और आगे की लड़ाई ये जारी रहेगी।